वस्तुएं सौभाग्य है और सब तो भाग्य, और तो भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, ये सब सौभाग्य से ही मिलता है। माता देवहूत कहती है मेरे पास सौभाग्य ही सौभाग्य है, पर उसके बाद भी निर्विण्णा नितराम भूमन नशद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्यान्दं तम प्रभो अशद इंद्रिय तर्षणात्। मैं असद इंद्रियों से परेशान हूं महाराज, खवा खवा के थक गई इस जीव को, फिर भी कहते ओल्ला, दिखा दिखा के थक गई इन आंखों को, फिर भी कहता है और दिखा, सुना सुना के थक गई इन कानों को, फिर भी कहता है और सुना। मेरी आयु जितनी बढ़ती जा रही है, वांछा उतनी युवा होती जा रही है। असद इंद्रिय तर्षणात्, कितनी खतरनाक बात है। सर्वम जितम जिते रसे, उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी इस जीव को जीत लिया। हनुमान जी और विभीषण के संवाद में जीव की बात आई ना खूब, कितनी खतरनाक है ये जीव, अगर एक बार दांत जीव को काट दे कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर जीव फिसल जाए तो 32 के 32 दांत तो खड़वा देगी महाराज, ट्राई करके देख लो। एक बार कहीं फिसला के तो देखो इस जीव को, 32 दांत तो खड़ जाएंगे नीचे, इतनी खतरनाक है महाराज। सर्वम जितम जिते रसे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। श्रीदास गोस्वामी मन शिक्षा के प्रथम श्लोक में कहते हैं वाचो वेगम मनस, ये सब वेग है, जैसे एक समुद्र में वेग आता है ना, ऐसे हमारे शरीर के भीतर सबसे पहले कभी कभी वाणी का वेग आता है, कभी कभी वाणी का ऐसा वेग आता है कि महाराज जन्म जन्म का मित्र भी शत्रु हो जाए, झंझट हो जाए, लड़ मरे महाराज, एक एक शब्द कहां से व्यक्ति को कहां तक पहुंचा दे। मनसः क्रोध वेगम, मनोवेग क्रोधो वेग, पहले तो क्रोध में कुछ भी बोल गए, बाद में फिर सॉरी सॉरी कहते फिर रहे, भाई गलती हो गई, भूल हो गई, उसी में सबसे खतरनाक वेग कहा जिह्वा वेगम, ये जिह्वा का वेग। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, कितनी खतरनाक है, इस पूरे शरीर में सबसे खतरनाक जीव है, इसकी इनकमिंग भी खतरनाक है, आउटगोइंग भी खतरनाक है कि नहीं। देखो आप बोलने बैठे तो क्या क्या न बोल जाए महाराज, ऐसा ऐसा, जरा सा शब्द इधर से उधर हो गया दुनिया भर के सामने माफी मांगते रहो महाराज, प्रमाणित करते रहो, बोलते रहो, वाग स्खलन हो जाता है कई बार, इसलिए क्षमा मांगनी चाहिए महाराज। भूल हो जाए जिह्वा से, भूल हो जाए, और इनकमिंग तो कितनी ज्यादा खतरनाक है महाराज, खाने वाला क्या क्या नहीं खाई जा रही है महाराज। अभी 4-5 साल पहले हमने सुना महाराज जी चमगादड़ खा गए महाराज लोग, इस चक्कर में इतना बड़ी बीमारी फैल गई दुनिया भर में, बताओ कुछ तो छोड़ देते, पता नहीं सच है कि नहीं ये तो भगवान ही जाने, कहते तो ऐसे ही थे कि दुनिया वाले चमगादड़ी खाए मरे कुछ नहीं मिले तुम्हारे, भगवान जाने सुनी तो ऐसे ही थी, कोरोना ऐसा फैला, खाने वाला क्या क्या न खावे, दिन भर खावे दिन भर, इसका व्यसन बड़ा जबरदस्त होता है, कहीं भी देख लो, गाड़ी का डैशबोर्ड खोलो तो आपको बिस्कुट मिल जाएगा, ऑफिस में चले जाओ तो फिर वहां भी कुछ टॉफी मिल जाएगी, कई लोग तो रात में भी 2 लड्डू पास धर के सोते हैं कि रात में नींद खुली और भूख लगी तो क्या करेंगे।
ऐसे ऐसे खवैया है।